हे गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस आज हम बनाने वाले हैं चीज़ बर्स्ट पिज्ज़ा, जो कि आप देख ही सकते हो कितना ज़्यादा ये चीज़ी लग रहा है। भाई मेरा तो चाकू थोड़ा सा स्टक हो गया, चलो उसको इग्नोर मारो। और ये देखो भाई, भाई देखो देखो, बस तुम है ना चीज़ पुल पे नज़र रखना। ये देखो आहा, मस्त मज़े आ रहे हैं ना देख के। तो चलो गाइस फटाफट से इसको स्टार्ट करते हैं बनाना। तो गाइस इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया, एक मैंने ली एक ब्रेड का स्लाइस। ब्रेड की स्लाइस को है ना आप साइड से ऐसे काट दो, ठीक है। आप ऐसे ना दो ब्रेड की स्लाइसेस ले लेना, तो ऐसे उसको ना साइड में से काट लेना दोनों को ही। और काटने के बाद क्या करना, उसको बेलन से रोल कर लेना ताकि वो ना बिल्कुल एकदम फ्लैट सा हो जाए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना कि भाई आपने इसको रोल कर ही दिया, उसके बाद डालो भाई अपनी चीज़ की स्लाइस, जो कि हमारा मेन कॉम्पोनेंट है हमारे पिज्ज़ा के अंदर। उसके बाद आप ब्रेड की दूसरी स्लाइस से उस चीज़ स्लाइस को ढक दो, और उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऊपर लगाओ पिज्ज़ा सॉस, जिसके बिना पिज्ज़ा का स्वाद ही नहीं आना, ठीक है। तो लगाओ पिज्ज़ा सॉस, फिर उसके ऊपर आप रखो थोड़ा सा जो अपना ग्रेटेड चीज़ होता है ना, अमूल का ले सकते हो, आप किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हो। तो थोड़ा सा ग्रेटेड चीज़ डाल दो, अगर आपको चीज़ बहुत ही ज़्यादा पसंद है और मोटापा बढ़ाना चाहते हैं तो और चीज़ डाल देना। फिर उसके बाद क्या करो गाइस, आप डालो ऊपर वेजिटेबल्स, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे देख कैप्सिकम, ऑनियन डाल दो, टोमेटो डाल दो, स्वीट कॉर्न डाल दो, इतनी सारी चीज़ें यार सारे डाल दो, ठीक है। आपको पता है गाइस किन्नी किन्नी चैनल पे तो लोगों ने राजमे का भी वो बना रखे ना, राजमा पिज्ज़ा टाइप कुछ। तो आप इसके अंदर आपकी मर्ज़ी, अगर आपको राजमा पसंद है तो वो भी डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या करो भाई, सारी वेजिटेबल्स डालने के बाद थोड़ा सा ना पैन में ऑयल लगा के इसको 5 से 10 मिनट ढक दो, जब तक आपकी चीज़ मेल्ट नहीं हो जाती। और ये देखो गाइस, जन्नत हमारे पैन में से बाहर निकल के आया है। और जब आप इसको काटोगे और जो चीज़ फूल आएगा, ओहो भाई स्वाद आ जाएगा। तो गाइस प्लीज़ इसको ट्राई ज़रूर करना, मुझे भी बताना कि कैसा बना। और भाई अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो यार, आप लोग शेयर नहीं करते चैनल को, प्लीज़ शेयर करो यार। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।